देश भर में रोजाना बुरी खबरें सामने आ रही है। वहीं एक और बुरी खबर सुनने को मिली है, जहां एक और मशहूर कॉमेडियन अभिनेता निलय शिवा का निधन हो गया। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि निलय शिवा तमिल के मशहूर कॉमेडियन और एक्टर थे। बीते दिनों की बात करें तो वह काफी समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन दिल का दौरा पड़ने के बाद वह दुनिया को अलविदा कह गए। उनकी उम्र 69 वर्ष की थी। निलय शिवा ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में आन पावन फिल्म से अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म का निर्देशन पंडिया राजन ने किया था। इसके बाद वो अम्बे शिवम, महाप्रभु, बेतरी कोड़ी कट्टू, कन्नुम कन्नुम जैसे कई फिल्मों में नजर आए थे। उन्होंने करीब 500 फिल्मों में काम किया था। वो फिल्मों में सपोर्टिंग किरदार के लिए जाने जाते थे। वे अक्सर अपने नए नए किरदार से फैंस को हंसाया करते थे। निलय शिवा ने अपने कॉमेडी से फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। बता दें कि निलय शिवा तिरुनेलवेली के पानाकुड़ी में अपने घर में थे, जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा। वे अक्सर अकेले ही रहा करते थे, उन्होंने शादी नहीं की थी। ऐसे में उनका अंतिम संस्कार उनके भाई के बच्चे करेंगे। निलय के इस तरह चले जाने से उनका परिवार दुखी है। सोशल मीडिया पर सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। निलय शिवा ने कॉलीवुड में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वे अपने निलय स्लैंग के लिए काफी फेमस थे। उन्होंने थिरुपाची, खिरेडम जैसे कई फिल्मों में काम किया था। उन्होंने मशहूर शो पंडियन स्टोन में भी एक अहम किरदार निभाया था। वे हम सभी को बहुत याद आने वाले हैं। मीडिया दरबार की ओर से निलय शिवा को श्रद्धांजलि। और तमिल में ही नहीं बल्कि हर भाषा के लोगों को अपने कॉमेडी से हंसाने के लिए निलय शिवा हमेशा फैंस के दिलों में रहेंगे। धन्यवाद।